बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ अरशद और आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल टीवी। आज हम जो है वो कैनवुड की वॉशिंग मशीन है इसको ठीक करेंगे। इसका ड्रायर के अंदर भी प्रॉब्लम है और इसकी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसका जो सा ये वाला हिस्सा भी, इसके जो गियर बक्सा है उसका भी काम होना है, और ये जो सा ड्रायर है इसकी मोटर ख़राब है। तो अभी हम आपके सामने इसको रिपेयर करते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो सी सामने मोटर है ये ख़राब है, ठीक है। अभी इसको हम खोलते हैं तो इसकी वाइंडिंग जो है ना, इसकी सी है वो पानी इसमें चला गया जिसकी वजह से ये मोटर ख़राब हो गई है। तो इसको रिपेयर करेंगे हम, और बाकी भी अभी हम आप खोलते हैं इसको। अच्छा जी, इसके फाउंडेशन को पूरी मशीन पर ये वायरिंग उठा। तो जी दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन की मोटर आ गई और ये ड्रायर की मोटर है, तो ये वाली मोटर ख़राब है। तो अभी इसको हम खोलते हैं, इसको उठाओ भाई, निकालो। पेच हमने पहले ही खोल दी ताकि टाइम जो है वो कम से कम वक्त में मुकम्मल वीडियो हो सके। तो जी दोस्तों, अब ये हम इसको खोलेंगे, इसका ये चेंज होगा, तो अभी हम खोलते हैं इसको। चल गई। तो जी दोस्तों, ये पूरा ही चेंज होगा, तो अभी हम इसको मज़ीद खोलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देखें दोस्तों, ये इसमें हमने खोला है तो इसकी जो गरारियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब इसको हम चेंज ही करेंगे। ये देखें, इसकी जो गरारियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए जो सा ना इसकी आवाज़ है ये जो सही जिस तरीके से वर्क करना चाहिए था वो नहीं कर रहा। तो ये देख, तो अब इसको मुकम्मल चेंज होगा, ये बआसानी मिल जाता है मार्केट से। जी दोस्तों, ये नया गियर बक्सा हम फिट कर रहे हैं, तो इस जगह पे समर लगा के, तो ये नया आ गया। तो अब ये पुराने वाला था, ठीक है, अब ये नया फिटिंग करते हैं आपके सामने। तो जी दोस्तों, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसानी से आप फिटिंग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये फिटिंग हो चुकी है। तो जी दोस्तों, ये मोटर जो है वो अब रिवाइंड हमने मार्केट से करवाई है, तो अब ये रिवाइंडिंग हो के आ गई है, तो इसको हम फिटिंग करते हैं। ये इसकी जो है वॉशिंग मशीन की मोटर है, ये ड्रायर की मोटर आ गई। कोशिश की है मैंने कि जल्द से जल्द जो है कम वक्त में जो है मुकम्मल वीडियो हो सके, जो पूरी मुकम्मल जो है
टाइम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा था लगा, लेकिन जितना शॉर्ट हो सका मैंने कोशिश की है कि इसको वीडियो को कम वक्त में जो है ना हम मुकम्मल कर सकें। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि हमने ये इसकी जो है ब्रेक वाला हिस्सा वो फिटिंग नहीं किया, दोबारा हमने खोली है वो मोटर, बाकी फिटिंग हो गई थी। तो ये इसको ज़रूर फिटिंग करें, और ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ मिस हो गया तो उसको ना आप करें, कोई एक पेच है ये आपके काम की जो कंप्लेन की रेशो होगी वो नहीं होगी, आप काम तसल्ली से करें। ये अब हमने दोबारा खोली है, दोबारा मेहनत करना पड़ी हमें। और एक चीज़ का खास ख्याल रखें, ये पेज जो थोड़े थोड़े से लूज़ थे हमने नए लगा रहे हैं, तो इसका साइज़ जो है उसी सेम उसी के बराबर हो। तो उस अगर आप इससे थोड़ी सी लंबाई में थोड़े से बड़े लगाएंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि जो ये नीचे वाइंडिंग है इसके अंदर वो पेज जाके लग जाएगा और आपकी मोटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, नुकसान होगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें जो है वो पेज जो है ये वाले ये आप पूरे साइज़ के लगाएं, ये बिल्कुल फ्री थे हमने ये नए लगा रहे हैं। ये भी ना करें कि कोई चीज़ पेच वगैरह कोई चीज़ थोड़ा बहुत लूज़ है तो उस पर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ ना करें, ताकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके काम की कंप्लेन नहीं होगी, और कंप्लेन नहीं होगी तो आपका एज ए काम एज ए टेक्नीशियन आपका जो है वो रोज़गार अच्छा होगा और आपकी इज्जत होगी। ये फिटिंग हो चुकी है, अब इसका हम जो है पुरजोश जो है ये हम फिट करेंगे। इसके अंदर मोटर मोटर का भी आएगा, ये एज ए ब्रेक के लिए भी काम करता है, ब्रेक के लिए भी काम करता है, और ये अभी फिट हो चुका है। अब ये जो इसके साथ जो ये नट है ये जो सा, इसको बिल्कुल आप ऐसे ना छोड़ दें, इसको अपना फुल जो है ना वो टाइट करें। इसका मकसद ये होता है कि इसकी स्पीड आरपीएम काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो जिसकी वजह से वो बैक ना आ जाए। तो ये जो ये आपने निकालना भी नहीं है, जिस तरह ये मैंने किया है इसको, वो पहले उसको जो इसका पेच कस है फिर नट को उसके टाइट किया है। अब हम ये देखें आपके सामने दोबारा इसकी फिटिंग कर रहे हैं, सिर्फ क्या है कि कोई चीज़ आप मिस कर दें तो उसको दोबारा खोलें दोबारा फिटिंग करें। और ये वायरिंग जो है अब मैं करने लगा हूँ, हमने क्या किया था कि जो जिस तरह के कलर थे उसी तरह के कलर को छोड़ दिया, और उसके हिसाब से कोई इतनी मुश्किल वायरिंग नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो इस पर भी मैं एक मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है वो मुझे इसके बारे में बताइएगा कि वीडियो भी कैसी लगी और इसके बारे में रहनुमाई कीजिएगा। अगर इसके कनेक्शन पर वीडियो कहेंगे तो वो भी मैं आपको मुकम्मल बना दूंगा। बेहतर होगा अगर आप ऐसे मोटर वगैरह खोल रहे हैं तो उसको जो है कि उसके कलर वाइज उसको निशानी या उसका वो काट दें तार, तो दोबारा उसी साथ। अब ये मेन पावर आ गई, और ये इसकी ग्रे और ब्लू जो है ब्राउन और ब्लू जो सी है वो पावर मेन आ गई, और ये जो सी येलो और रेड है ये इसकी वन वे टू वे की तारें हैं वाशिंग मशीन मोटर की। तो ये जो सी ये ग्रे कलर है ये ड्रायर के लिए है, तो हमने उसी हिसाब से कलर को हिसाब से ज्वाइंट कर देने हैं। ये जो ड्रायर की वायरें अंदर जा रही हैं, ओ सॉरी वॉशिंग मशीन की जा रही हैं, और ये ड्रायर की हैं, ठीक है। ड्रायर अब मोटर वाइंड हुई है तो उसमें अब कलर एक चेंज हो गया है, जो तार ख़राब थी वो हमने चेंज कर दी, वो ग्रे की जगह वो सॉरी वो ब्लैक
आ गई है बिलो की जगह, तो वो कॉमन है इसकी, तो जो ये जोंसी है वो कॉमन है ब्लैक। अब ये इधर ब्लू है उधर ब्लैक है, तो इसको हमने, ये इसकी कॉमन है ठीक है ड्राइड की, अब ये अर्थ की तार भी लगानी चाहिए क्योंकि हम तो पाकिस्तानी वो अर्थ भी नहीं वायरिंग में करवाते, तो ये सील है। तो अब ये जौन सा है इस पे आप जो है वो ग्रीस वगैरह अच्छे तरीके से लगा कर, ताकि वो इसके अंदर बुश होता है वो ख़राब ना हो, तो इसको अच्छे तरीके से लगाएं। इसकी जो शाफ्ट है इसके ऊपर भी जोन सा है, आप इसको अच्छे तरीके से ग्रीस लगाएं। अब ये जोन सा है इसका जो फिटिंग हो चुकी है, ये वॉशिंग मशीन की भी हमने वो उसका फूल वगैरह फिट कर दिया है। तो ये इसकी ब्रेक सिस्टम है, ये भी लग गया ठीक है। अब इसका रह गया ये वाला पानी के लिए, है ड्रेन के लिए, तो ठीक हो गया ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन है कि आप इसको और भी नीचे लगा सकते हैं ठीक है। अब इसको हम चलाते हैं, चला कर चेक करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसकी ये मुकम्मल वायरिंग का फाइनल करेंगे जी। अब ये मशीन मुकम्मल हो चुकी है, अब इसको हम चलाते हैं। ये वॉशिंग मशीन चल गई, बिल्कुल बे आवाज़। अब ये ड्रायर चलाते हैं। तो जी दोस्तों, ये हमने जो वीडियो बनाई तो उसमें जो है शुरू वाला हिस्सा था उसमें ऑडियो आवाज़ ठीक रही, जो दरमियान में वीडियो का हिस्सा था उसमें प्रॉब्लम रही, तो हमें दोबारा एडिटिंग करनी पड़ी जो माइक के प्रॉब्लम की वजह से, तो इसके लिए हम माज़र ख़्वाह हैं। ये वीडियो जो है हमारे जो नए टेक्नीशियन मैकेनिक भाई हैं उनके लिए है, जो सीनियर है उनके लिए नहीं, वो तो माशाल्लाह सब इसके बारे में, उनके लिए कोई इतनी अहम नहीं होगी। तो बाकी हमारी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।